हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी बुद्धिज़्म के बारे में। ये एक नया धर्म था, तो क्योंकि मगध को पढ़ने से पहले हम इन धर्मों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो मगध के अंदर राजे आने वाले हैं, जो भी आप वंश पढ़ोगे उसके अंदर जो भी आपके जितने भी अच्छे राजे होंगे वो क्या करेंगे जी, कई नए नए धर्मों को अपनाएंगे और उनको उनका प्रचार प्रसार करेंगे। तो उनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चेंज थे जैन धर्म के बाद, इनके अंदर क्या क्या चेंज था। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और उसके बाद इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, जैनिज़्म और ये महाजनपद, ये मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो आइए जी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज बुद्ध धर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने ये बताया था कि जैनिज़्म के बारे में बताया था, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो वैदिक टाइम था उसके अंदर इतनी की कहते हैं जो कहते हैं प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, लोगों के अंदर इतने भ्रम आ चुके थे, लोग उन जो हिंदू धर्म के आई बुराइयों से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने नए नए धर्मों को अपनाना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें से एक धर्म निकल के आता है जी, वो था बुद्ध धर्म। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जिनको बोला जाता है जी, उनका नाम है जी ये गौतम बुद्ध। पहले तो ये बुद्ध थे पर बाद में इनके नाम के आगे गौतम लग जाता है, वो बाद में आपको मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। अच्छा, एशिया का इनको ज्योतिपुंज के नाम से, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किस गुरु को, धर्म गुरु को जाना जाता है। तो आपने ये याद रखना कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक धर्म गुरु थे बुद्ध धर्म के, ठीक है जी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो आपको मैं बता दूँ कि ईसा मसीह के 563 ईसा पूर्व इसमें इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहाँ पे था जी, कौशल जोन की, जो आपने जनपद पढ़ा होगा कौशल जनपद, वहाँ पे एक छोटी सी गांव था लुम्बिनी, जो आज नेपाल के अंदर है। एक अभी भी याद रखना है, अभी गवर्नमेंट ने अभी आपको पता है एक सर्किट चलाया था, सर्किट का नाम था बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि एक ट्रेन चलेगी, वो क्या करेगी, जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं उन सभी से ट्रैवल होती हुई जाएगी। तो उसको याद रखना है आपने। अब जो ये लुम्बिनी प्लेस है यहाँ से ये स्टार्ट होगी, तो ये लुम्बिनी प्लेस आपका नेपाल के अंदर मिलता है, आपको याद रखना है जी। तो उसके बाद यहाँ पे इनका जन्म होता है। उसके बाद इनके जो पिता थे वो शाक्यगण, मतलब एक क्षत्रिय थे, और यहाँ के सुदोधन जो थे ये इनके फादर साहब थे। और उसके बाद इनकी जो माता थी वो उनकी नाम, माता का नाम था माया देवी। अब ये जो माता थी जो इनकी, जो जन्म के सातवें दिन ही इनकी डेथ हो जाती है, तो इनका जो लालन पालन जो होता है इनकी सौतेली माँ जो होती है मौसी जी, तो इन जो उनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी के यहाँ पे होता है, जिसके कारण इनका नाम जो होता है गौतम बुद्ध पड़ जाता है इनकी सौतेली माँ के नाम से, ठीक है जी। तो इनके बचपन का नाम था जी सिद्धांत। मैंने यहाँ पे बताया था कि सिद्धांत उनके जैनिज्म में उनके फादर साहब थे, और यहाँ पे इनके बचपन का नाम है। उसके बाद जो बुद्ध, जो गौतम बुद्ध था, इनका जो शादी होती है वो, जो इनके जो विवाह होता है वो 16 वर्ष की आयु में हो जाता है यशोधरा से, वहाँ उनकी मदर है और यहाँ पर इनकी घर वाली हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो जो इनके पुत्र हुए उनका नाम था राहुल, अब ये याद आपने रखना है। उसके बाद सिद्धांत का देखिए जी, सिद्धांत जब कपिलवस्तु में सैर पर निकले तो उन्होंने, कहते हैं जी इनके फादर साहब ने इन जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने एक बार इनका जो एक हाथ दिखाया जाता है तो कि ये आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, तो वो जो साधु होते हैं जो इनके शायद एक गुरु थे कोंडदेव नाम से, उन्होंने इनको बताया था कि ये जा तो ये सन्यासी बनेंगे जा ये बहुत बड़े पराक्रमी एक राजा बनेंगे। तो उनके जब ये सन्यासी वर्ड सुनते हैं तो इनको क्या होता है कि सभी इनके फादर साहब क्या होते हैं, इनको एक कमरे के अंदर सभी एक किले के अंदर पूरी तरह से इनको सभी सहूलतें दी जाती है, ताकि इनका ध्यान क्या हो, एक पराक्रमी राजा की तरफ से ये नज़र आएँ, ताकि इनको सन्यासी जीवन ये देख ही ना सके, उनकी बातों को ना सुने। तो इनके फादर साहब के जो दिलो दिमाग में जो डर था ये था। तो एक बार क्या होता है जी, सिद्धांत अपने क्या करते हैं, अपने जो इनके जो साथी होते हैं, सारथी जो होता है जो, उसके साथ ये सैर पर निकलते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो ये चार घटनाएं इनके सामने होती हैं, जो इससे जिनका जीवन होता है वो सारा पिघल जाता है, और इसको ये एक टर्निंग पॉइंट होता है इनकी लाइफ का, जहाँ से ये अपना सारा सिस्टम छोड़ के सन्यासी जीवन को अपनाएंगे। तो सबसे पहला ये होता है कि बूढ़ा व्यक्ति देखा जाता है, तो जब ये
अपने सारथी को पूछता है कि इसको हुआ क्या है, ये बूढ़ा कैसे हो गया, तो ये बोलता है कि तुम भी आने वाले फ्यूचर के टाइम के अंदर बूढ़े होने वाले हो, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता है। तो ये कहता है ये तो अलग बात है। तो उसके बाद जब ये आगे चलता है तो एक बीमार व्यक्ति को देखता है, तो ये कहता है कि इसको क्या हुआ है। तो ये सिद्धांत जो अपने सारथी को पूछता जा रहा है, जैसे जैसे घटनाओं को देखता है, तो ये बीमार व्यक्ति को देखता है तो ये कहता है कि इसको एक दुख आया है, इस दुख के कारण ये क्या है, इस दुख को भोग रहे हैं जिसके कारण ये इसको ये प्रॉब्लम आई है, तो ये बीमार है इस। तो उसके बाद एक शव को देखता है, तो शव को जब देखता है तो कहते हैं इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सिद्धांत के द्वारा पूछा जाता है। तो ये कहते हैं कि ये अपनी जीवन लीला को यहाँ पे जितने इसको समय दिया गया था भगवान के द्वारा, ये अपना यहाँ पे टाइम पूरा करके इसको अब दफनाने के लिए या संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, ये अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं और ये यहाँ से जाने वाले हैं। तो बाद में एक सन्यासी जो होता है एक कुर्ता पजामा सा डाल के और वो घूमता फिर रहा है अपने एक जो उसके पास एक जो मटका सा होता है, तो उसको लेकर ये एक जो सन्यासी होता है वो मन मगन में घूमता फिर रहा है। जब उसको देखता है तो इसको कहता है इसको क्या हुआ है, कहता है जी इसको कोई डर नहीं है, इसको ना तो किसी प्रजा की चिंता है ना इसको अपने घर वालों की चिंता है, ये जंगलों में जाता है और ये जो जिसको जो मिल जाता है वो खा लेता है, इसको कोई टेंशन नहीं है ना इसको कोई किसी तरह की बीमारी है। तो ये जो सिद्धांत होता है ये इससे बहुत प्रभावित होता है, तो ये कहता है ये तो बड़ी अच्छी लाइफ है, तो मैं ऐसी इतनी जब मुझे पता है कि दुख आने वाले हैं, तो इन तीनों जब तीनों चीज़ों को देखता है ये ऊपर वाली घटनाएं, तो इनको देखने के बाद जब ये देखता है तो होता क्या जी, तो मैं इतने जो ऐशो आराम से जी रहा हूँ तो मेरा तो बेकार है, जब दुख तो सभी को आना है तो मुझे भी मरना है। तो ये क्या करता है, इन चीज़ों को छोड़कर सन्यासी जीवन को यहाँ से अपनाता है। तो ये थे जी ये चार घटनाएं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये सन्यासी जीवन के लिए अपने संसारिक सुखों को छोड़कर सन्यासी जीवन को अपनाने के लिए घर से निकलते हैं, तो ये उसकी आयु थी तब 29 वर्ष। तो ये जो जब जब ये घर से निकलेंगे, जब इनको ज्ञान प्राप्त होगा, जब ये पहला भाषण देंगे, जब ये अपने संसारिक दुनिया को छोड़कर परलोक में चले जाएंगे, तो इन सभी घटनाओं को बुद्ध धर्म के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपने ये ध्यान रखना है। तो यही घटनाएं जो होती हैं अक्सर पेपरों में चार डेफिनेशनों के रूप में आपको पूछा जाता है और इससे ही आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिए जी, पहले जो 29 वर्ष की एज में जब ये घर से निकलते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो बौद्ध धर्म में उसको बोला जाता है महाभिनिष्की कर्म। तो ये आपने थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसकी, आप महाभिनिष्की कर्म इसको बोला जाता है जब ये अपना घर गृह त्याग देते हैं। जब ये गृह त्यागते हैं तो उसके बाद सिद्धांत जो बुद्ध जो होते हैं ये वैशाली जाते हैं। वैशाली मैंने बताया था कि वजी जो जनपद होता है उसकी राजधानी होती है। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि अपनी जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाते हैं। तब जब ये पहले गुरु से मिलता है तो उनके गुरु का नाम था जी अलार कामा ने जी एक सांख्या दर्शन जो कि एक नॉलेजफुल अपनी शिक्षा ली हुई थी, तो उनसे अलार कामा से जब मिलते हैं तो इनके साथ काफ़ी टाइम तक रहते हैं, 6-7 दिन रहते हैं, तो इनको अलार कामा जी इतने प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं जी इनको भी छोड़कर तो ये अगले गुरु के पास चले जाते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गृह त्यागने के बाद महात्मा बुद्ध जो थे तो उनको पहले गुरु कौन से मिले थे, तो आपने ये याद रखना कि अलार कामा जो कि सांख्या दर्शन के एक संस्थापक थे। उसके बाद बात करते हैं जी अलार कामा के बाद सिद्धांत क्या करते हैं, राजगृह मगध में आते हैं और यहाँ पे रुद्र करामपुत नाम से यह शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये इनके दूसरे गुरु होते हैं, तो इनसे ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इनसे भी ये प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो होते क्या जी, ये आगे यहाँ से निकल जाते हैं और मगध से निकलने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए नॉलेज लेने के लिए फिर आगे और बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद ये उरुवेला के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ये अपने क्या करते हैं सिद्धांत क्या करते हैं कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, महानामा, असा ये 5 साधु होते हैं, इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इनके साथ सोचते हैं कि मैं अगर इन ब्राह्मणों के साथ रहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में जो सिद्धांत था इन सारी दुनिया को पता था कि एक राजा का बेटा है, तो ये जो साधु होते हैं ये इसको अपने साथ रखते हैं। तो उसके बाद ये 5 साधुओं से यहाँ पे उरुवेला में रहते हैं। तो होता क्या जी, एक दिन ऐसी घटना हो जाती है यहाँ पे, ये 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। जो ये 5 गुरु होते हैं, तो ये जो साधु हैं ये एक दिन इसके साथ रह रहे हैं, काफ़ी समय तक महात्मा बुद्ध इनके साथ रहते हैं। तो होता क्या जी, एक दिन जो शूद्र जाति के बेटे जो एक उनके सेनापति की एक सैनिक होते हैं उनकी बेटी होती है, तो उनके जो खीर बनाई हुई थी तो वो महात्मा बुद्ध खा लेते हैं।
तो जिससे क्या होता है कि जो इसके साधु जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि तुमने हमारा जो धर्म है हमारे साथ रह के हमारा धर्म तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि तुमने एक सैनिक की जो बेटी थी उससे तुमने जो शूद्र थी उससे आपने खीर खाई है। तो ये बात तो सिद्धांत के लिए तो कुछ भी नहीं थी। तो इनसे अलग होके तो ये जो पांच साधु होते हैं इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, ये इनको छोड़कर आगे चले जाते हैं अपने जो यहाँ पे तो ये जहाँ पे इनको छोड़कर जो इनका सारनाथ के अंदर चले जाते हैं ये पांच साधु। और ये जो महात्मा बुद्ध होते हैं सिद्धांत क्या होते हैं ये क्या करते हैं जी, ये छः साल ये क्या करते हैं वैशाली के अंदर जाते हैं दोबारा। और यहाँ पे निरंजना नामक एक फाल्गु नदी है, निरंजना नदी इसको बोलते हैं, फाल्गु नदी भी बोलते हैं, बिहार के अंदर आज ये मौजूद है, पीपल के वृक्ष के नीचे। पूरी छः साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जाकर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी से जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो इसके बाद ही सिद्धांत का जो नाम होता है ये बुद्ध नाम से प्रचलित हो जाते हैं। और इसके बाद इसी स्थान को फिर ये लोग बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आज स्थान पटना के अंदर है आपने ये याद रखना है। तो बुद्ध ने अपना प्राथमिक, अब क्या होते हैं जी जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो इन्होंने अपनी जब इनके पास बहुत ज़्यादा विजडम जैसे इसको बोलते हैं, नॉलेज के बाद एक वर्ड आता है जिसको फुलफिल सारी इंद्रियों के ऊपर जा मतलब जो शरीर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो इतनी जो विजडम इन्होंने हासिल किया था, जितनी नॉलेज इन्होंने हासिल की थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये अपना जो मैसेज और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जाते हैं कि यहाँ पे पहला जो इनके द्वारा उपदेश दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है जी, तो ये जाते हैं प्रथम उपदेश देने के लिए सारनाथ, जिनको ऋषिपत्नम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जब ये पहले पहुँचते हैं तो ये वो जो पांच साधु होते हैं इनको ही पहला उपदेश इनके द्वारा दिया जाता है। और ये जो पांच साधु इनके क्या बन जाते हैं जी, शिष्य बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं। और यहीं से बोध गया के अंदर इसी घटना को जब कोई पर्सन दूसरे धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में आता है तो इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको आपने ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपनी जो पहला भाषण दिया था प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर दिया था, बट बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था जी पाली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी, पाली लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। उसके बाद ये अपने जो देश होता है कौशल वैशाली में जब सारनाथ में इन्होंने अपना भाषण दिया उपदेश दिया तो उसके बाद ये अपने नानका परिवार में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था कौशल में वहाँ पे जाते हैं, वैशाली में कौशाम्बी में हर तरफ से घूमते जा रहे हैं और अपने फॉलोअर्स इनके बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो बुद्ध धर्म था ये अल्टीमेट ग्रोथ ली जाती है इसके द्वारा। तो बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, तो ये भी आपने याद रखना है, जो जहाँ पे इनके माता जो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है जी। तो बुद्ध धर्म को मानने वाले मेन प्रमुख शासक कौन से थे जी, पहले नंबर पे बिंबिसार, उसके बाद प्रसेनजीत, जो कि आपको पता होगा प्रसेनजीत थे जी, अगर आपने अवंती नामक सुना होगा जनपद जो कि मध्य प्रदेश में था वहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। ये उदयन थे जो मगध के ऊपर आने वाले शासकों में बैठेंगे, तो ये सारे लोग इनमें मेन इसके शासक बनते हैं। तो आपको पता होगा बुद्ध धर्म में अशोक ने भी इसको अपनाया था, तो अशोक सबसे बड़ा इसका मेन फॉलोअर माना जाता है अशोक राजा जी के द्वारा। तो उसके बाद अब बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो 80 वर्ष की आयु में होती है और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया नामक एक प्लेस है जो आज का इसको कुशीनारा बोला जाता है। तो इसको क्या था चुंद, ये होता है कि मतलब कहते हैं जी इनको कहते हैं एक जो पिग होता है उसका इनको मांस खिला दिया गया था जिसके कारण इनको पचान आ कारण, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके थे इनकी जो डाइजेशन सिस्टम था वो बहुत ही वीक हो चुका था जिसके कारण ये उस चीज़ को पचा नहीं पाए जिसको कहते नहीं कच्चा मांस जिनके द्वारा खाया गया था जो कि, तो उसके द्वारा ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसी घटना को जब ये अपने प्राण त्यागते हैं तो इसी घटना को महापरिनिवारण के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से ये जो होते हैं मल्लों के द्वारा अत्यंत सम्मानपूर्वक जो बुद्ध का जो संस्कार किया जाता है, तो इनको जो संस्कार करने के बाद जो इनकी अस्थियां होती हैं तो सबसे ज़्यादा तो पहले सारनाथ में दबाई जाती हैं, दूसरे बाद तो जो इनकी अस्थियां वो आठ राज, अगर आप इसको डिटेल में और पढ़ोगे ना तो इसके आठ राज जो वंश हुए थे आठ राजा थे जो इनकी अस्थियों को अपने घर पे लेके जाते हैं और उनके बेटों के साथ भी इनकी अस्थियां दबाई जाती हैं। तो इस तरह से इनका ये सिस्टम चला था। तो उसके बाद
एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीरों के अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड किया गया और इसके द्वारा 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। मैंने अभी बताया आपको 8 स्तूप बनाए जाते हैं, इनको 8 हस्तियों को 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद बुद्ध के जन्म के और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के अनुसार कैटोन नामक अभिलेख क्या होता है जी, एक पत्थर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर आलाकृति के द्वारा लिखवा दिया जाता है जो सालों साल तक चलता रहता है। तो आपको पता है चीन के अंदर सबसे ज़्यादा इनकी जो शाखा थी वो फैली थी। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान हमें उनकी पाली त्रिपिटक, मैंने वहाँ पे त्रिरत्न पढ़ाए थे जैन धर्म के अंदर, यहाँ पे त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक से हमें इनकी बुद्ध धर्म की प्रॉपर जानकारी हमें इनके बारे में मिलती है। और ये बुद्ध जो धर्म थे ये अनिश्वरवादी थे, ये भगवान को नहीं मानते थे, ये तो आत्मा का भी को भी नहीं मानते थे कि आत्मा भी होती है। और अच्छा बुद्ध धर्म ये पुण्य जन्म में विश्वास करते थे और तृष्णा को क्षीण होने की अवस्था को बुद्ध धर्म में निर्माण किया जाता है। कहते हैं जब कोई पर्सन ही अपनी जब अपनी बुद्ध धर्म के अंदर आता है और उसके बाद वो अपने प्राण त्यागता है तो उसको निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद बुद्ध धर्म जी ने एक बात बताई थी, वो क्या था, विश्व भैया क्या है जी, एक दुखों का भरा हुआ है। तो यह सिद्धांत उपनिषद में लिया गया है, बुद्ध ने उपनिषद से लिया था कि विश्व एक दुखों से भरा हुआ है। तो ये उन्होंने बताया था क्योंकि उन्होंने एक मध्यम मार्ग की बात की थी कि अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं, अगर आप ज़्यादा ही इच्छाएं वासना भावना अगर अपने मन में नहीं रखोगे तो आपको किसी तरह का दुख भी नहीं आएगा, और इसी चीज़ों को इन्होंने बताया था जी। तो आई होप कि अब आज इतना बहुत हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहीं से हम आगे नेक्स्ट इसके के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं इसी वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।